हाँ दीदी जी, आ रहा हूँ मैं, बस 10 मिनट दे दो मेरे को, 10 मिनट दे दीजिए, अभी अभी आए बस। अरे भैया ऑफिस निकलना है उन्हें, थोड़ा जल्दी कर लो ना। ऑफिस जाना है बस, दीदी आ गया मैं, बस अभी थोड़ी देर में आया बस। भैया जी ऐसी बुरी शर्ट मिल जाएगी क्या? सेम चाहिए भाई? हाँ मिल जाएगी। ओरिजिनल चाहिए? मतलब ऐसी हो देखने में, इसी कंपनी को आप दिखा दे। हाँ मिल जाएगी, 1500 तक की मिलेगी। पर 1500 रुपये की? हाँ निकलवा दूँ। ये थोड़े सस्ते में दिखा दो ना, 200-300 रुपये तक की हो वो दिखा दो। अरे भाई कंपनी की शर्ट है, ओरिजिनल है। चल तू एक काम कर, तू 1400 रुपये दे दियो, मैं निकलवा देता हूँ। ये कंपनी की ना हो, इसकी ऊपर दूसरी हो, पर देखने में सेम हो ऐसा, वो दिखा दो ना। पर भाई कपड़ा ऐसा नहीं होगा सर। मतलब होगा तो ऐसा ही ना? हाँ देखने में बिल्कुल ऐसी होगी। कितने की होगी भैया जी? 450 रुपये। कर दो भैया ब्रेक। कितनी देर लगा दी भैया आपने आने में? बोला तो था ऑफिस जाना है। कितने पैसे हुए? दीदी 150 हो गए, आप 100 रुपये दे देना। अच्छा रुको एक मिनट, सुनो जी शर्टें आ गई हैं। तुमने भी सारे ही कपड़े भेज दिए प्रेस करने, एक आध रोक लेते, खुद में होना चाहिए इतना दिमाग। 100 रुपये दो भैया को। खुले हैं 500? खुले नहीं होंगे भैया जी। एक मिनट अंदर आना भैया। भैया ये शर्ट किसकी है? आपकी है दीदी जी। हमारी तो नहीं है दीदी जी, वो मुझसे गलती हो गई। वो गलती से ना मुझसे शायद शर्ट जल गई। मैं दुकान पे गया था सेम कंपनी की लेने, पर वो बहुत ज्यादा महंगी मिल रही थी, तो मैं ये सस्ती वाली ले आया। कितने की ली है? 450 रुपए की। 450 की शर्ट ले आए हो भैया? भैया मुझसे ही जली थी ये। इन माशा ने आपको सारे कपड़े भेज दिए प्रेस के लिए, और ये जली हुई शर्ट भी उसमें चली गई। हमारी प्रेस खराब हो रखी है, इसलिए तो आपको कपड़े भेजे थे प्रेस के लिए। इन्होंने तो 6 महीने से शर्ट नहीं डाली है। दीदी जी मुझे तो लगा कि मुझसे गल गया गलती से। अरे आपको लगा तो हमें बताते तो सही, हम कौन सा कुछ कह रहे थे आपको। इंसान है, हो जाती है गलती, उसमें क्या है। तुम भैया को शर्ट के पैसे ला के दो। आप कुछ लोगे चाय पानी वगैरह? नहीं दीदी जी शुक्रिया। कमाल के बंदे हो आप, हम तो सोच रहे थे बाहर प्रेस के लिए कपड़े भेज रहे हैं तो कोई फाड़ ना दे या जला ना दे। आप तो हमारी जली हुई शर्ट बदल के नहीं ले आए हो, इसलिए 100 रुपए मांग रहे थे 150 के। जी दीदी जी 450 शर्ट की और ये 50 आपके काम की। शुक्रिया भैया जी। भैया देखो वैसे तो ना हमने प्रेस ले ली है नहीं, पर अब से ना हमारे घर के कपड़े आप ही प्रेस करोगे, ठीक है? शुक्रिया दीदी जी, शुक्रिया भैया जी। शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए कि आप जैसे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, तभी हमें थोड़ा सा अच्छा बनने का मौका मिल जाता है।